हाय के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक वीडियो को भी कर दें। बने रहें, जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोग का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूं अपना मास्टर्स फ्रॉम एनआईडी तिरची। लेकर आ गया हूं बढ़िया से न्यूज। न्यूज क्या है? कोप राउंड 3 का रिजल्ट आ चुका है, तो बहुत सारे लोगों के लिए तो बहुत सारी खुशियां होंगी, पर मेरे लिए भी कुछ आता है जब जब कोप का रिजल्ट आता है। क्या आता है? थोड़े ज्यादा से डिसलाइक आते हैं। डिसलाइक क्यों आते हैं? क्योंकि एज वी नो कि अब कोप का रिजल्ट आया होता है, कुछ लोगों को ऑफर नहीं आया होता है। मैं समझता हूं यार, जब जब हम इस टाइप के वीडियोस देखते हैं ना, और अगर आपको ऑफर नहीं आया होता है तो गुस्सा आता है यार। मैं भी आपकी जगह होता ना तो मैं भी डिसलाइक मार के जाता कि यार मुझे तो ऑफर नहीं आया, इतना खुश होकर बता रहा है। पर कोई बात नहीं, मुझे ये पता है ना कि जब काउंसलिंग होगा ना, जब काउंसलिंग कंप्लीट हो जाओगी तो आपको आपके हिसाब से आपके लिए जो बेस्ट चॉइस है वो आपको मिल चुकी होगी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, बस बने रहना है कोप के साथ। कोप राउंड 3 के साथ क्या इंपॉर्टेंट है, अब उसका डिस्कशन करते हैं। कोप राउंड 3 सही बताऊं ना, इसके बाद के जो भी राउंड होते हैं ना, बहुत क्रिटिकल होते हैं। क्रिटिकल क्यों होते हैं? जैसे कि देखिए, आपको 1 राउंड के बाद आपने किसी ब्रांच को रिटेन किया होगा, मे बी हो सकता है कुछ लोगों ने अपनी ब्रांच को सेकेंड राउंड में चेंज कर दिया हो। ठीक है, तो उनके लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। टेंशन की बात उनके लिए है जिन्होंने फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में एक ही ब्रांच को रिटेन करके रखा था, और थर्ड राउंड में अब उनके पास रिटेन का ऑप्शन नहीं बचेगा। देयर इज अ लास्ट ऑप्शन, दैट इज एक्सेप्ट और रिजेक्ट। और अगर उन्हें अदर ब्रांचेस से ऑफर आए होंगे तो वो उस ब्रांच को चूज करके उसे रिटेन कर सकते हैं। मतलब अगर आप 2 राउंड से अगर किसी ब्रांच को रिटेन किए हुए हैं तो अब यहां पर आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। या तो आप उस ब्रांच को लोगे या कोई दूसरी ब्रांच लोगे। यहां पर एक और प्रोबेबिलिटी निकल कर आती है जो बहुत ज्यादा जनरल देखी जाती है, कि किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड में जो सीट मिल गई वही सेकंड राउंड में मिली, और थर्ड राउंड में भी उसको सिर्फ वही सीट मिली है, और उसके पास अब तो या वो IIT एक्सेप्ट कर सकता है, वो पर्टिकुलर ब्रांच एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। अब यहां पर आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके साथ ये कंडीशन आई है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो आप लोग हम लोगों को ना इंस्टाग्राम पर भेजकर दिखा दीजिए कि सही इस टाइप का प्रोबेबिलिटी बन रहा है, और अपना स्कोर बताइए जिसके बेसिस पे हम लोग एक प्रेडिक्शन कर सके कि भाई इतने कट ऑफ के बच्चे को और आगे क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं। अगर हमें लगेगा कि यार ये उसके सामने बेस्ट है, उसके आगे इसको ये सारे ऑप्शन नहीं मिल पाएंगे, तो हम लोग आपको एक्सेप्ट करने की सलाह देंगे। अदरवाइज मैं आपको इसके अपार्ट फ्रॉम भी बताता हूँ, हमारे पास ऑलरेडी लास्ट ईयर के IITs के कट ऑफ हैं, डले हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, और हमने इस पर वीडियोस भी बना के रखे हैं। तो आप मिलाइए कि आपने क्या क्या ब्रांचेस भरी हैं, आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है, आपके स्कोर से आपको क्या मिल सकता है, उसके हिसाब से एक्सेप्ट और रिजेक्ट करिए। ठीक है, अगर ब्रांच सही नहीं है तो उसे रिजेक्ट करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि CCMT का भी पीछे खड़ा हुआ है आपके। अगर आपको IIT में यहाँ पे सीट मिल रही है तो आपको अच्छी खासी CCMT में भी सीट मिल सकती है, और मे बी आगे के फर्दर राउंड में भी सीट मिल सकती है। तो ये जो थर्ड राउंड है ना, बहुत क्रूशियल होने वाला। बात करते हैं जिन लोगों को थर्ड राउंड में भी कोई ऑफर नहीं आया है, वो आगे फर्दर वेट करें 4th और 5th राउंड के लिए, आपको वहां पर ऑफर आ सकता है। और 5th राउंड के बाद जब ABCDE राउंड चालू होगा ना, वहां पर होता है एक्सेप्ट और रिजेक्ट, वहां पर रिटेन ऑप्शन खत्म हो जाता है, तो वहां पे बच्चा लेता है या तो नहीं लेता है। तो बहुत ज्यादा सीटें बच्चों का अलॉट होती है वहां पर, तो परेशान कहीं से नहीं होना है आपको। बहुत अच्छा कॉलेज आपके स्कोर के हिसाब से मिलना तय है, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। आप लोगों को अगर अपना जानना है कि क्या आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, तो हमारी इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप हम लोगों से डाउट पूछ सकते हो, मुझसे मैम से पूछ सकते हो क्या चूज करना चाहिए। उसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम को चूज कर लो, वहीं पर राउंड 3 की जो भी एनालिसिस होगी उसका रिजल्ट हम लोग पब्लिश करेंगे, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो। सारी जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में हैं। और यार मैं इतना कहूंगा कि यार वीडियो को लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियोस को शेयर करिए, और हमारी CCMT की सारी कट ऑफ वीडियोस को देखिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, CS, मैकेनिकल सारी बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, CCMT स्पेशल में देखिए। उसके साथ साथ NITs के IITs के रिव्यू बना के रखे हुए हैं, उन रिव्यूज को देखिए और वीडियोज को इंजॉय करिए। बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए सिद्धार्थ लाइव सिद्धार्थ शुक्ला के साथ। नमस्कार।